हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, मैं हूं आपका एनिमेशन मैन। गाइस, इससे पहले लेक्चर में गाइस हमने जो शीशा देख रहे हो ना, इस पे हमने काम कर लिया था। गाइस, आज जो हम वर्क करने वाले हैं, इसके बैक का जो यहाँ पे होता है ना, थोड़ा सेफ मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार मेरे पास इमेज है, वो दिखा देता हूँ। तो हमको गाइस ये डिजाइन बना लेना है। ओके, ये आप ऊपर का सेफ देख रहे हो, इस प्रकार से गाइस हम पे इसको काम करना है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इस पर काम करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, सबसे पहले क्या करूँगा, इसको इसको और इसको शिफ्ट दबा गई मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा, इसको भी शिफ्ट दबा कर, और इसको भी अपील करता हूँ आइसलोड। ओके ठीक है, तो गई मेरा ये इतना हो गया। ऐसे यहाँ से मेरे को गई बराबर से यहाँ से सोता रहेगा। ओके ठीक है, इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पे एक बार टॉप कर लेता हूँ, टॉप साइड ऑटोग्राफ टॉप। ठीक है, तो ये मेरा इतना हो गया। आप चाहो तो गाइस यहाँ से भी आप इसको शेप को यहाँ से डिजाइन दे सकते हो, या यहाँ से आप बराबर से अच्छे से दे पाओगे। तो मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ आपकी साइड कौन सी है। ये आपके पास फ्रंट है। ओके, और अब आपको इस पर काम कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ क्रिएट के अंदर। यहाँ पे मेरे को मिलेगा, आप देख रहे होंगे ये कर्व टूल देख रहे हो आप, इसके अंदर मिलेगा आपको एपी टूल। एपी टूल आपको यहाँ पे शो जाएगा। तो गाइस मैंने एपी टूल ले लिया, अब इस पर आपको वर्क करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ से इसको आइसोलेट कर लेता हूँ ऑन। ओके, मैं इस पर वर्क करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पर। गज कर दूंगा एंटर। एंटर करते ही मेरा यहाँ से टूल चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ परस्पेक्टिव टॉप। ओके, यहाँ से भी आइसोलेट इसको ऑन करूँगा, मुझे यहाँ से बराबर से दिख जाएगा। टूल चेंज करूँगा और इसको थोड़ा यहाँ पर लेके आऊँगा साइड, और यहाँ पे परस्पेक्टिव आइसोलेट ऑन। ठीक है, तो गई ये मुझे यहाँ पे अब सो रहा है। अब मैं इसको अच्छे से इसके मैच कर दूंगा। ठीक है, अब कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको भी, और यहाँ से आइसोलेट। अभी मुझे बराबर से दिखता रहेगा, वो हम आराम से काम करते रहेंगे गई। ओके, अब आइसोलेट। ठीक है, तो हम इस पे बराबर से अब काम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका टॉप साइड है। इसे आप अच्छे से देखते हो और काम कर सकते हो माउस का राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टिक्स। ओके, ये यहाँ पे रखता हूँ मैं थोड़ा। हमको इससे इसको यहाँ पे अटैच करना है, तो ये सब चीज़ हमको देख लेना होगा। चीज का मैं गाइस बहुत ध्यान रखना होगा बारी बारी से। ठीक है, हमारा लाइटिंग का ये पोर्शन यहाँ पर है। सॉरी सॉरी गाइस, परस्पेक्टिव थोड़ा सा इसको मैं डाउन कर देता हूँ अच्छे से, थोड़ा देखने बेटर लग रहा है थोड़ा। ओके, तो गाइस इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ साइड, ये मेरे पास साइड है, ये परस्पेक्टिव आपका। तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ ऐसे। ओके, इनको ऐसे ऐसे ड्रैग करता हूँ थोड़ा, और इसको थोड़ा अंदर को ले लूंगा जी, जिससे कि हमको इसका शेप का अच्छा सा डिजाइन दे देना है। और ये चीज हमको देख लेनी है कि ये हमारा अच्छे से अटैच है या नहीं, परस्पेक्टिव हम देख लेंगे। हाँ, बराबर से, और
माउस का राइट क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा ऑब्जेक्ट मोड। अब मैं इसको यहाँ से सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कर दूँगा इसको मॉडिफाई, जिससे कि कंट्रोल सेंटर में आ जाए, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और ये फ्रीज जो हमारा ये फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करने के बाद अभी बराबर से अब इसको कर दूँगा मैं सेंटर पॉइंट मॉडिफाई से, अभी सेंटर पॉइंट। ओके बराबर, हम इसको अच्छे से अब नीचे को डाउन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अभी देखने में थोड़ा बेटर लग रहा है अपना। माउस का राइट क्लिक करके फिर से वर्टिक्स मोड, इतना बेटर लग रहा है। ओके और थोड़ा सा वर्क हम यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अंदर हो गया हुआ है। तो इस प्रकार से गाइस हम ये शेप अच्छे से दे देंगे इसको। ओके गाइस, तो गाइज जब इतना हुआ, अब मैं क्या करता हूँ आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा बेटर लग रहा है अपना ये, नहीं ये देख लेना है हमको, ये थोड़ा वर्क कर रहा है इस पे गाइज अभी। इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं थोड़ा, तो ये थोड़ा सा हम पीछे कर लेंगे हल्का। मैं साइड से कर लेता हूँ, हम टॉप से भी कर सकते हैं गाइस इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, थोड़ा इसको यहाँ से ओके। तो हम गाइस इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ओके गाइज, अब इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करके गाइज करूँगा कंट्रोल डी, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन वर्टिस को अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करता हूँ, पहले इस पे करता हूँ काम, सॉरी गाइज कंट्रोल वर्टिक्स, इनको उठा के थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। ऐसे मेन पे काम करना स्टार्ट करूंगा, अब इसको सेलेक्ट करूंगा माउस का राइट क्लिक कंट्रोल वर्टिक्स, ओके गाइस, और मानता हूँ परस्पेक्टिव यहाँ पे हम इसको देख लेंगे अच्छे से, ये देखने में कैसा लग रहा है। ओके करूँगा माउस का राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड। तो गई इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबा के, ओके, और ये दोनों मेरे सेलेक्टेड हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सरफेस के अंदर, ये लुफ्ट है, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बॉक्स पर, रीसेट सेटिंग, ओके गाइज। और ये लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं यहाँ पे सबसे पहले पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद करूँगा गाइज मैं कंट्रोल पॉइंट पर, और इसके बाद कर दूंगा गाइज मैं यहाँ से लूप, ओके। तो गाइज अब आप देख रहे होंगे जैसे मैंने इस पर लूप किया, तो ये आपका शेप इस पर प्लेन टाइप से आ गया, ओके। और इससे जो आगे का गाइज इसका वर्क है,
ये गाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।